आजमगढ़ के सिंहपुर रकैचा में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि 2022 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी और गरीबों की घरेलू बिजली 5 साल तक माफ करेंगे और गरीबों का इलाज 5 साल तक उत्तर प्रदेश में लगातार फ्री करेंगे। इस मौके पर प्रदेश महासचिव रामदेव पासवान, प्रदेश महासचिव वकील चौरसिया, प्रदेश महासचिव डॉक्टर चिंतामणि राजभर, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर, जिला अध्यक्ष महिला मंच गीता गिरी, विधानसभा अध्यक्ष अरविंद राजभर, डॉक्टर दिलीप सरोज और भी कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। शेखर चौहान के साथ सतीश चौहान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन मेहनगर विधानसभा कर रहा है। गांव-गांव से जो संगठन का काम बनाया गया है उन्हीं लोगों को यहां लाकर के उनको बताया गया है कि आने वाले 2022 में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को और तेजी से गांव-गांव फैलाने की जरूरत है। हम देश में प्रदेश में जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं। हम 33% आरक्षण जो महिलाओं का राजनीति में नौकरियों में उनको लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करना चाहते हैं। हम गरीबों का इलाज सरकार बना के 5 साल फ्री में करना चाहते हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी है 2 साल 10 महीने से, हम उस रिपोर्ट को सरकार बना के तुरंत हम लागू करना चाहते हैं ताकि सभी लोगों को न्याय मिले, सबके बच्चे हिस्सेदारी मिले, सभी जातियों की रहनुमाई होने लगे। इस काम को करने के लिए हम लोग एक कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से जनता को संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा कि एक देश एक टैक्स होगा, ये जीएसटी लागू किए तो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लागू करते? ये अडानी अंबानी का कारोबार है। जिस दिन जीएसटी इस पे लागू करेंगे अडानी अंबानी कुर्सी से खदेड़ देगा इन लोगों।